हाय डिवाइन सोल्स, आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन फेमिनिन, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि 88 पोर्टल बहुत नज़दीक है और ये पोर्टल ओपन हो चुका है और 26 अगस्त तक ये पोर्टल ओपन रहेगा और उसकी एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। बट इसका पीक पॉइंट जो बोलते हैं वो 8 अगस्त को होगा, जहाँ पर हम बहुत सारे एनर्जीज़ को कलेक्ट करने वाले हैं, रिसीव करने वाले हैं। आखिर ये 88 पोर्टल होता क्या है और ये 77 के पोर्टल के बाद एनर्जीज इतनी हैवी क्यों हो रही है? बहुत सारे डीएफ को निगेटिविटी का अटैक हो गया, साइकिक अटैक हो गए, ट्रिगर हो गए, या उनके खुद के शैडो साइड जो बाहर आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को डिवाइन फेमिनिन फेस कर रही हैं। बहुत पेन में हैं। जो डीएफ बैलेंस हो चुकी हैं और जो डीएफ अभी बैलेंस नहीं हुई है, अभी जिनकी न्यू अवेकनिंग हुई है या फिर मिड ऑफ द जर्नी में हैं, उनको भी ये इस बार का पोर्टल बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। वैसे तो 77 के पोर्टल के बाद ही एनर्जीज बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि क्लिनजिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, जो 88 का पोर्टल है अब वो हमें 5D में शिफ्ट करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज भी है जो आप लोगों को रोक सकती है कि आप 5D में इंटर ना करो। तो कुछ साइन मैं बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है और इस चीज़ से आप लोग कैसे बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग खुद ही अपने ही ओवरथिंकिंग से परेशान हो रहे हो। कोई भी बात नहीं है, आपके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं है जहाँ पे आपको ये चीज़ लगी कि कुछ चीज़ ख़राब हो रही है, मतलब ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप लोग बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, स्पेशली अपने डीएम को लेके। अगर आपके डीएम आए हैं बहुत टाइम के बाद, आपसे बात भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मन में फिर से वो थॉट्स आ रहे हैं कि ये फिर से किसी थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है, किसी और के साथ तो नहीं है, अभी रिलेशनशिप में मुझे चीट तो नहीं कर रहा है। उसको बार बार स्टॉक करना, उसका लास्ट सीन चेक करना, रात में उठ उठ के देखना कि वो ऑनलाइन तो नहीं है। आप ट्रू कॉलर में भी चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, हर जगह जहाँ पे आपको पता लग सकता है कि वो ऑनलाइन है या थे, वहाँ पे आप चेक कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आप चेजिंग के एनर्जी में लग रहे हो। एक फियर सा आपको आ रहा है अंदर से कि मेरा डीएम फिर से तो वैसा नहीं कर सकता है। जो आप लोगों ने फेस किया था सेपरेशन के टाइम में, वो चीज़ें आप लोग फिर से फेस कर रहे हो। ऐसी कोई सिचुएशन है भी नहीं, फिर भी आपको ये चीज़ें फील हो रही है कि मेरा डीएम कहीं और ना चले जाए या फिर से मुझे धोखा ना दे दे, मेरा साथ दे या ना दे, या फिर मेरा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरे लिए स्टैंड लेगा कि नहीं लेगा। ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। जो 88 का पोर्टल आने वाला है, उसमें अगर बहुत सारे डीएफ ने अच्छे से काम किया है, खुद को बैलेंस में लाया है, तो वो 5D में इंटर करेगी। लेकिन उसके पहले ही उनको बहुत रोका जाता है। इस वक्त उन पर साइकिक अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मींस इतना हद से ज़्यादा हो रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रही है कि इस चीज़ को कैसे रिलीज़ करें। बहुत बैलेंस हो चुकी हैं, दूसरों को गाइड भी करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद की एनर्जी से अभी बहुत लड़ रही हैं, परेशान हो रही हैं, रात को उठ उठ के परेशान हो रही है। उनको एक फियर का इशू बहुत मतलब सामने आ रहा है उनके, स्पेशली उनको डीएम को लेके फियर का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है उनके सामने, और वो समझ नहीं पा रही है कि इस चीज़ को मैं कैसे ख़त्म करूँ। तो डीएफ, अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी आप लोगों को थॉट्स आ रहे हैं, जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको आप पॉजिटिव करो, पॉजिटिव एफर्मेशन पे बोलो। आप तुरंत वो चीज़ करो। अगर थोड़ा सा भी आप उस चीज़ को अगर 17 सेकंड तक भी सोच रहे हो ना, तो वो चीज़ अब मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये दिमाग में अपनी बातों को डाल लो। कोई भी निगेटिव थॉट्स अगर इस वक्त आपको आ रहे हैं, तो उसको तुरंत उसी वक्त आपको पॉजिटिव एफर्मेशन के रूप में बदलना है। कोई भी थॉट्स आ सकते हैं, तो उसको आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हो? सपोज़ अगर आपको अपने डीएम पर डाउट हो रहा है, आप उनको ब्लेम कर रहे हो कि नहीं अभी भी वो थर्ड पार्टी के साथ है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ बोलो कि नहीं, वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, उसकी कार्मिक रिलीज हो चुकी है, वो मुझसे ही प्यार करते हैं और मेरे बारे में ही सोचते हैं, मेरे लिए ही फील करते हैं। जैसा आप चाहते हैं अपने डीएम के साथ, सेम चीज़ें आप उस वक्त बोलोगे डीएफ। अगर कहीं ना कहीं अभी इस वक्त आप कोई भी गलती करते हो,
तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं अभी से आप लोगों को वॉर्न कर रही हूँ, क्योंकि जो 88 का पोर्टल, जो लॉयन गेट का पोर्टल होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आता है, लेकिन उसके पहले ही बहुत सारे टेस्ट होते हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। तो इस वक्त साइकिक अटैक हद से ज़्यादा हो रहे हैं, डिवाइन टेस्ट हो रहे हैं कि आप कितना सरेंडर किए हो डिवाइन पे। कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, आपके डीएम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें वो बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा उस टाइप का लग सकता है कि वियर टाइप का, कि ये फिर से ऐसे बातें क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं कि अभी भी आप बैलेंस हो या नहीं, आप कितना सरेंडर किए हो अपने डीएम को मुझ पे। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है तो आपको लेट गो करना है। कहीं पर भी आप रिएक्ट कर रहे हो, मीन्स अभी आप तैयार नहीं हो 5D में जाने के लिए। साथ में ही कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि डीएम अपनी ही डीएफ से ट्रिगर हो रहे हैं, इस बार डीएफ उनको ट्रिगर कर रही हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बोल के, या फिर बहुत मतलब छोटी सी चीज़ को लेके लड़ाई झगड़ा करके डीएफ अपने डीएम को ब्लॉक कर सकती हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकती है, उनको ट्रिगर कर सकती हैं। इस बार डीएफ भी ये चीज़ें कर रही हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को परेशान करती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वो सारा कुछ अपने डीएम पे डाल दो। अगर कांटेक्ट में हो आप लोग तो, अगर नहीं हो तो वहाँ पे आप एनर्जी ऐसे भेजोगे उनके तरफ, तो वो भी आप लोगों को नहीं करना है। अगर कॉन्टैक्ट में हो तो कुछ भी आपको फील हो रहा है, तो अगर आपको लगता है कि अगर मैं इससे बात करूँगी तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो वहाँ पे आपको बात नहीं करना है। थोड़े टाइम के लिए आप दूर रहो, या बात हो भी रही है, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही है आपके ही शैडो साइड, तो उसको आपको देखना है कि ये मेरे ही इशू है, वो मेरे डीएम के नहीं है, तो उसको मुझे हील करना है, मैं अपना गुस्सा इस पे क्यों उतारूं। इस तरीके से आप एफर्मेशन बोलो, शांत एक जगह में बैठ के उसको आप रिलीज़ करो। किसी भी तरीके से आप रिलीज़ कर सकते हो, मेडिटेशन कर लो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप नेचर में चले जाओ, आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, पानी पियो, आप स्पिरिचुअल सावर लो। अभी जो बेस्ट तरीका है वो नेचर में जाओ। जितना आप नेचर में जाओगे उतने ही आप इस एनर्जी से बचे रहोगे। अगर बहुत हाई एनर्जी आपको फील हो रही है, बहुत लो एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है बहुत अटैक हो रहे हैं, तो आप सिर्फ नेचर में जाओ। जितना आप टाइम स्पेंड करोगे उतना ही आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा ये टाइम। तो ऐसी गलतियां अभी आप लोग मत करो कि अपने डीएम को ही आप लोग ट्रिगर कर रहे हो, और कहीं कहीं डीएम बहुत स्टक फील कर रही हैं कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ इस जर्नी पे, ऐसा उनको खुद को लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो ऐसा सोच रही हैं क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि हम डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर हमें बॉडी में कहीं एनर्जी फील नहीं हो पाती है, डीएम से भी टेलीपैथी रिसीव नहीं हो पाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ मतलब मैं बढ़ ही नहीं रही हूँ, मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मैं किसी भी तरीके से स्टक हो गई हूँ उस जर्नी पे। कहाँ पे हूँ, क्या करना है, मेरे डीएम की क्या एनर्जी है, मतलब वहाँ क्या चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है ना, मुझे ड्रीम आ रहे हैं ना उसके तरफ से कोई भी टेलीपैथी रिसीव हो रही है, तो मैं क्या करूँ। तो अभी के टाइम में कहीं ना कहीं क्लिंजिंग जब होती है तो उस वक्त भी डीएफ को एक हर्मिट मोड पे डाल दिया जाता है। सेम आपके साथ भी ये चीज़ें होती है, आपके डीएम के साथ भी होती है। तो जब क्लिंजिंग का प्रोसेस होता है तो उस वक्त डीएफ के साइड जो भी चीज़ें हैं, उनके पेरेंट्स हो गए या फिर उनके फ्रेंड या डीएम जो भी है, उनको हटा दिया जाता है कुछ वक्त के लिए। तो अगर इस वक्त कोई भी आपके पास नहीं आ रहा है, या बात नहीं हो रही है, या खुद को आपको लग रहा है कि मुझे अभी इनसे बात नहीं करनी है, अगर आप बहुत ज़्यादा आप किसी से कनेक्ट हो तो वहाँ पर भी आपको लगेगा कि अभी मैं ऐसे बात नहीं करूँ। थोड़े टाइम के लिए आप खुद को फील करोगे कि अभी मुझे ब्रेक लेना है, रेस्ट करना है, इनर वर्क करने का भी मन नहीं हो सकता है आप लोगों का इस वक्त। लेकिन जो एनर्जी आप लोग फील कर रहे हो उससे निकलने के लिए अभी बेस्ट है इनर वर्क करो। आप बिल्कुल भी इसको लेट गो नहीं करना है। मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आपका दिमाग शांत होगा इस चीज़ से। कोई भी म्यूज़िक का यूज़ मत करो, जितना आप खुद से करोगे चीज़ों को उतना ही आप हील होगे। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करो,
जितना हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है, वो आपकी जो निगेटिव एनर्जीज है वो रिलीज होगी वहाँ पे। इतने सारे तरीके होते हैं आपको इस एनर्जी से निकलने के लिए, बट कहीं ना कहीं जब ऐसी सिचुएशन में हम होते हैं तो वो भी हम नहीं कर पाते हैं, हमारा मन ही नहीं होता है। अगर हम लेटे हैं तो लेटे ही हैं, क्या इन वर्क करें, कुछ मन ही नहीं कर रहा है। अगर बैठ भी रहे हैं तो फोकस नहीं लग रहा है, तो उसके पहले आप अच्छे से कम 15 मिनट तक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, स्पेशली आप भस्त्रिका करो। उससे क्या आपको एक पावर मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, एक एनर्जी आपको फील होगी बॉडी में, तो आपका फोकस बनेगा एक जगह पे। आप कपालभाति कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है आप लोगों को। पानी बहुत पीजिए और डेली आपको स्पिरिचुअल शावर लेना है। अपने घर पे अच्छे से आप लुभान, धुनी, अगरबत्ती जो भी आप जलाते हैं जलाइए, क्योंकि इस वक्त जब हम बैलेंस में होते हैं या फिर हम कुछ चीज़ें करते हैं आगे बढ़ने के लिए तो ये एनर्जीज हमें रोकती हैं। तो इस वक्त आपको अपने लिए, अपने डीएम के लिए, अपने फैमिलीज के लिए, पूरे घर को प्रोटेक्शन में रखना है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस एनर्जी से आपको बचने का यही तरीका है, अवेयरनेस में रहो, प्रेजेंट में रहो, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना पास्ट में जो चीज़ें हुई है उसके बारे में सोचना है, क्योंकि अभी तक मुझे जहाँ ये एनर्जी पिक हो रही है मुझे यही दिख रहा है कि सिर्फ आप लोग पास्ट में जी रहे हो, कि पास्ट में उसने मेरे साथ ये चीज़ें की है, उसने मेरे साथ ये चीज़ें बोली हैं, वो आएगा तो मैं उसको ये बोलूँगी, मैं वो करूँगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब सिर्फ ब्लेम ब्लेम ब्लेम, बदला लेने की भावना, ये सारी चीज़ें आपके मन में आ रही है। तो इसको यहीं पे आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो आगे आने वाला पोर्टल है वहाँ पर भी आप स्टक रहोगे, फिर जो आने वाला पोर्टल है वहाँ पर भी चीज़ें सेम होने वाली है, क्योंकि जो भी आगे पोर्टल्स आएंगे वो और पावरफुल होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग और भी हैवी एनर्जी फील कर सकते हो। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके, चीज़ों को तो आप समझते ही हो कि हाँ ये जो इशू है वो मेरे ही है, मुझे इसको ठीक करना है, मुझे उसको हील करना है। तरीका भी आप लोगों को सब पता है कि किस तरीके से हील करना है, इतने सारे मेंटर्स हैं, इतने सारे वीडियोस हैं आप लोगों के सामने, हर टाइम आते ही रहते हैं, जो आपके लिए गाइडेंस होता है उसको देखो, उसको बारीकी से समझने की कोशिश करो। कोई भी अगर वीडियो आपके सामने आ रहा है तो वो आपके लिए मैसेज है, हर एक वर्ड में आपके लिए गाइडेंस होती है, तो उसको आपको अपने पूरे लाइफ में उतारते जाना है, तो आप देखो आप कितनी जल्दी हील होते जाओगे। और इस वक्त बहुत सारी डीएफ को जो भी वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रही थी, इस वक्त उनको वहीं से ट्रिगर मिलेगा। डीएम हो गए या कोई आपका घर हो गया, फैमिली हो गई, मनी हो गया, तो वहीं से आपको ट्रिगर कराया जाएगा कि अभी आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से तैयार हो या नहीं, क्योंकि तभी वो चीज़ हमें मिलती है जब हमारे अंदर की इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो जाती है। अगर आपकी ये एनर्जी बैलेंस नहीं है तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप उस स्टेज पे हो ही नहीं जहाँ पे आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओ तो वो कैसे आपको मिलेगी। आप एकदम लो वाइब्रेशन में हो लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत अच्छी जॉब सब कुछ, तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। बल्कि जो डीएफ लो वाइब्रेशन में होती है उनकी जॉब भी रहती है तो वो भी कहीं ना कहीं छूट जाती है, या फिर वहाँ से भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देखो डीएम आप लोग इतना सोचते हो, वहाँ पे पूरी एनर्जी अपनी वेस्ट कर देते हो डीएम के ऊपर, वो क्या कर रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं, वो बात तो नहीं कर रहा, लेकिन आपके ही जो इशू है उसको आप ना देखते हो, आपके इतने बड़े बड़े मेजर प्रॉब्लम रहते हैं आपकी लाइफ में, मनी को लेके, फैमिली को लेके, कार्मिक को लेके, आप वहाँ ना ध्यान देते हुए सिर्फ आपका एक सुई अटक जाती है डीएम पे कि वो कब आएगा कब आएगा। पहले आप खुद को देखो, पहले खुद को हील करो, वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं गया, वो आपके ही पास है, आपके ही पास बैठा है, बस अभी वो चुप है, वो देख रहे हैं आपको कि आप कितना काम कर रहे हो खुद पे, कितनी जल्दी आप हील होगे उतनी जल्दी वो आके आपसे बात करेंगे। और इस वक्त बहुत ज़्यादा भी आपको डीएम को एनर्जी नहीं देनी है, अगर वो आपके पास आए हैं तो थोड़ा आप लिमिट में रह के बात करो, बहुत ज़्यादा प्यार और दिखाने की कोशिश मत करो, वरना फिर से वो रन करेंगे, क्योंकि भले वो रीयूनियन हो चुका है आप लोगों का लेकिन है तो वो आपके डीएम ही, ठीक है, जितना आप एनर्जी दोगे फिर से वो रन करने वाले हैं। तो आपको हर पल
हर टाइम हर सेकंड आपको अवेयरनेस में रहना है। और बहुत सारे डीएफ को अगर निगेटिविटी फील हो रही है तो हमसा हैंड का सिंबल्स आप विजुलाइज करो कि आप उसके अंदर हो। सोते वक्त भी आप ये चीज़ फील करो। बहुत अटैक्स हो सकते हैं ड्रीम में, है ना, ऐसा लगेगा कि कोई एनर्जीज है आपको मारने की कोशिश कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो ड्रीम में। तो आप ये प्रोटेक्शन का सिंबल है, बहुत पावरफुल सिंबल है, आप इसको यूज़ करें। पीस का सिंबल भी मैंने कुछ वीडियो पहले बताया था, जो लोटस वाला है वो, उसमें भी आप खुद को विजुलाइज कर सकते हो अगर आप पीस की एनर्जी पे नहीं हो तो। तो ये चीज़ें आप करो, ग्राउंडिंग करो, अच्छे से मेडिटेशन करो, जो भी आप अपना इनर वर्क करते हो वो करते जाओ बस। और जो भी चीज़ें आ रही है उसको देखो, उसको लेट गो करो। लेकिन लेट गो करने से पहले ही उसको पहले देखो कि वो चीज़ आई है तो मेरे लिए क्यों आई है, मुझे क्या इसे सीख लेनी है। और जो 8-8 का पोर्टल है, कहीं ना कहीं आपको 5D में लेके जाएगा। लोग बोलते हैं 5D में जाना है, 5D में जाना है, लेकिन हमें 5D में नहीं, 12D तक तो जाना ही जाना है। लेकिन 5D एक ऐसा गेट होता है जहाँ पे हम, जैसे हम 3D हो गया या 4D में हम इल्यूज़न में रहते हैं, या फिर सोसाइटी के ओल्ड बिलीफ सिस्टम को हम फॉलो करते रहते हैं, या फिर हम ब्लेमिंग की एनर्जी में रहते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, हम सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं, अनकंडीशनल लव नहीं कर पाते हैं, तो 5D में वो सब कुछ छूट जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप 5D में आ गए हो तो बस आपका काम ख़त्म। आपको 5D में नहीं, 12D तक जाना है। तो सोचो कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी 5D में जाने के लिए। आपको इतने सारे एग्ज़ाम, ट्रिगर, ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो 12D तक सोचो कितना आपको काम करना है, और टाइम बहुत कम है। आप ये जानते ही हो, हमारी लाइफ की आधी उम्र तो निकल चुकी है, जो आधा टाइम बचा है उसमें भी हम अगर इन सारी चीज़ों में फंसे रहेंगे तो हम कब अपने पर्पस तक पहुंचेंगे, कब हम अपने हायर सेल्फ तक पहुंचेंगे, 12D तक पहुंचेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे आपका दिमाग जाना चाहिए। 5D आप एक अपना गोल मत सेट करो। 5D सिर्फ एक इतना है कि हम वननेस में आ जाते हैं, हम सबसे अनकंडीशनल लव करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, लेकिन हमें बस इतना ही नहीं करना है। इन्हीं सब चीज़ों में सिमट कर नहीं रहना है, हमें आगे भी बढ़ना है, अपनी जर्नी को लेके जाना है, अपने डायमेंशन को इंक्रीज़ करना है। आप लोग कभी ये जानने की कोशिश की हो, ये डायमेंशन क्या होते हैं, ये चक्रास क्या होते हैं, क्या ये कुछ अलग है या ये सेम ही है? तो ये जो डायमेंशन होते हैं और ये जो चक्रास होते हैं, सब कुछ सेम होते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं आपका 3rd चक्रा ओपन नहीं है, मीन्स अभी भी आप 3rd डायमेंशन में हो, अगर आप अभी भी अनकंडीशन लव नहीं कर पा रहे हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है, तो आप 4th डायमेंशन में हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप 5D में पहुंच चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी के सामने कोई चीज़ बोल नहीं पा रहे हो, अपनी चीज़ों को रख नहीं पा रहे हो, सच नहीं बोल पा रहे हो, मीन्स आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप अभी 5D में पहुँचे ही नहीं हो। क्योंकि जो 5 डायमेंशन होता है वो थ्रोट चक्रा होता है, तो 6, 7 थर्ड आई और क्राउन चक्रा तो अभी बहुत दूर की बात है। इसलिए ये चीज़ देखो कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड है, आपको क्या काम करना है और आप किस डायमेंशन में हो, ठीक है। 5D तक पहुंचना भी बहुत इजी काम नहीं है, जो आप लोग सोच के रखते हो कि 5D में मैं पहुंच गई हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वैसा कुछ भी नहीं होता है। आप पहले ये चेक करो कि आपके चक्रास कितने ओपन हैं, आप कितना सबसे प्यार कर रहे हो, ये सब चीज़ें अगर आप देख रहे हो कि हाँ वो सब कुछ हील हो चुका है, तब आप 5D में जाओगे। तो इतना सब कुछ काम करना होता है, इजी नहीं होता है। तो जो भी चीज़ें अभी आप लोगों के सामने आ रही हैं उसको देख के ही रिलीज़ करो और बस अपने डायमेंशन को इंक्रीज़ करते जाओ। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।